संपत्ति। एक ठे धनी जवान शासक यीशु के पास आके उसे पूछिस, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पामा के लाने मुहि का करक चाहे। यीशु उसे कहिन, ते मुहि उत्तम कहे कहते हस, केवल एक जन ही उत्तम है और ऊ परमात्मा है। पर अगर ते अनंत जीवन पामा का चाहत हस, तो परमात्मा की व्यवस्था की पालन कर। मुहि कौन कौन से आज्ञान का पालन करे की जरूरत हब। व पूछिस, यीशु जवाब देन, हत्या न करिया, चोरी न करिया, व्यभिचार न करिया, झूठ न बोलिया, अपन पिता और माता के आदर करिया और अपन पड़ोसी से अपन समान प्रेम करिया। पर वह जवान मने कहिस, मैं अपन बालकपन से ही ई सब आज्ञान का पालन करत आए हूँ। यीशु वही देखिन और उसे प्रेम करी। यीशु जवाब देन, अगर ते सिद्ध होए का चाहत हस, तो जाके अपन सब कुछ बेच दे और वह धन गरीबन में बांट दे और तो ही स्वर्ग में धन मिली, तब आके मोर पीछे हो ले। जन यीशु कहिन, जब वह जवान मने सुनिस, तब वह बहुत उदास होइगा, कहे से कि वह बहुत धनी रहो है और वह अपन सारी संपत्ति का दे का नहीं चाहत रहो है। वह मुड़ के यीशु के पास से चलोगा। तब यीशु अपन चेलन से कहिन, परमात्मा के राज्य में धनी मनई का प्रवेश करा का बहुत कठिन है। हाँ, एक ही धनी मनई का परमात्मा के राज्य में प्रवेश करे की तुलना में कोनों के ऊँट की सुई के नाके में से होई के निकल जाए का आसान है। जोन यीशु कहिन, जब चेला सुनिन तब ऊ चकित हो गे, ऊ कहिन तब परमात्मा यही बचाई ही। यीशु चेलन के ऊपर दृष्टि करिन और कहिन, मनई के लाने स्वयं के उद्धार करे का असंभव हब, पर परमात्मा के लाने कुछ भी करे का असंभव नहीं हब। पतरस यीशु से कहिस, हम चेला तोरे पीछे होई लय हन, त हमार पुरस्कार का हुई। यीशु जवाब देन, हर एक जन जौन मोरे कारण घर भाई बहन माता बच्चा या संपत्ति का छोड़िन है, वह उसे सौगुना ज्यादा प्राप्त करहीं और अनंत जीवन का भी पहीं। पर बहुत सारा जौन पहले हैं ऊँ पीछे होइहीं और बहुत से जौन पीछे हैं ऊँ पहले होइहीं। मत्ती अध्याय 19:16-30, मरकुस 10:17-31, लूका 18:18-30 से बाइबल की एक कहानी।